फोबिक वर्ड है सर, IBRD, RDA और उसके साथ साथ तीन इंस्टीट्यूशन और है सर. मैं पांचों एक्सप्लेन कर रहा हूँ. और क्या होना चाहिए सर? हिस्ट्री कहाँ से आया, बना कहाँ से शुरू हुआ, ये कंटेंट है सर अभी मेरा. क्वेश्चन क्वेश्चन क्या मतलब उसमें प्रेजेंटेशन के लिए पूछ रहे हो, असाइनमेंट के लिए पूछ रहे हो? हाँ सर, असाइनमेंट के लिए पूछ रहा हूँ. तो जितना तुम उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख सकते हो, क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग जो वो दे सकते हो. सर आपने जो लिंक शेयर करा था ये कहाँ पे गया था सर, क्वेश्चन वाला? क्वेश्चन वाला वो यस असाइनमेंट सर, का, यस असाइनमेंट सर. वाला लिंक है वही तो है, वो व्हाट्सएप में किया था. ओके सर, ठीक है चलो, आवाज क्लियर है ना? तो आज नया टॉपिक शुरू करेंगे, ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है, तो उससे पहले, ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से पहले थोड़ा सा नॉलेज जो है हमें सिक्योरिटीज इशू की होनी चाहिए. ठीक है, जैसे इक्विटी शेयर्स है ना, शेयर्स कैसे ट्रेड होता है, पता है किसी को कैसे ट्रेड होता है शेयर्स की ट्रेडिंग? पता है किसी को क्या सर? शेयर्स की ट्रेडिंग कैसे होती है? नो सर, नहीं पता. अच्छा, तो अब क्या है, कोई भी कंपनी है, जो क्या होनी चाहिए, पब्लिक कंपनी होनी चाहिए. पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स जो है पब्लिकली इशू कर सकती है. ठीक है, कैन इशू पब्लिकली. और पब्लिक कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पर भी रजिस्टर कराया जा सकता है. ठीक है, तो ये बात हो गई स्टॉक एक्सचेंज तक रजिस्टर कराने की. अब कंपनी के कोई भी शेयर अगर आम पब्लिक को लेने हैं तो वो स्टॉक एक्सचेंज से ले सकती है. ठीक है, यानी कि उसको कहाँ से खरीदना पड़ता है, स्टॉक एक्सचेंज से. अब स्टॉक एक्सचेंज से खरीदने के लिए उसको पहले अपना एक डीमैट अकाउंट खुलाना पड़ता है. ठीक है, डीमेट अकाउंट के साथ साथ एक डिपॉजिटरी अकाउंट खुलता है. ठीक है, और ये दोनों खुलवाने के लिए किसी भी इंडिविजुअल को एक क्या चाहिए होता है, ब्रोकर चाहिए होता है. ठीक है, अब मान लो कभी कभी तुमने सुना होगा कि तुम्हारा बैंक है, मान लो इंडियन बैंक है या ICICI बैंक है. ठीक है, ICICI बैंक है. तो ये बैंक जो होते हैं ये डीमैट अकाउंट, डिपॉजिटरी अकाउंट डायरेक्ट नहीं खुलवा सकते. ये भी क्या करते हैं, ये भी एक ब्रोकर के पास जाते, ब्रोकर के थ्रू खुलवाते हैं. ठीक है, तो ब्रोकर क्या खुलवाता है, डीमैट अकाउंट और डिपॉजिटरी अकाउंट खुलवाता है. ब्रोकर हमें एक प्लेटफॉर्म देता है साथ ही साथ, मतलब ये अकाउंट खुले सिर्फ ये अकाउंट ही काफ़ी नहीं है, अकाउंट के बाद ये ब्रोकर हमें एक प्लेटफॉर्म देता है. ठीक है, जहाँ पर उस प्लेटफॉर्म पे क्या किया जाता है, ये डीमैट अकाउंट और डिपॉजिटरी अकाउंट तो होते ही है. डीमैट अकाउंट होता है खरीदने के लिए और बेचने के लिए होता है. डिपॉजिटरी अकाउंट जो होता है खरीदने के बाद वो हमारे शेयर्स जो भी होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डिपॉजिटरी अकाउंट में सेव हो जाते हैं. ठीक है, और डीमैट अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग के लिए होता है, और डिपॉजिटरी अकाउंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उनको सेव करने के लिए होता है. ठीक है, और प्लेटफॉर्म ब्रोकर देता है जिससे कि हम प्लेटफॉर्म पर सेल और परचेज कर सकते हैं. ठीक है, तो अब जो प्लेटफॉर्म वो देता है उस पर सारे स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स दिखते हैं, जैसे NSE का भी दिखता है, BSE का भी दिखता है. ठीक है, और जितनी भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं सबके शेयर्स उस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होते हैं, हम वहाँ से परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं. ठीक है, जब हम उसको खरीद लेते हैं वो हमारे उस प्लेटफॉर्म जो उसमें है वो शो करता है वहाँ पर,
और वो जब खरीद लेते हैं तो वो डिपॉजिटरी अकाउंट में हमारा क्या होता है, सेव हो जाता है। और खरीदने बेचने के लिए हमें प्लेटफॉर्म की ही जरूरत पड़ती है। अब सपोज करो, ये तो हो गया कि हमारी इंडियन कंपनी है। कौन सी कंपनी की बात हो रही थी? इंडियन कंपनी की बात हो रही थी, ठीक है? किसकी? इंडियन कंपनी कंपनी की। और कौन खरीद रहा है यहाँ पर शेयर? यहाँ पर शेयर खरीद रहा है इंडिविजुअल, जो के क्या है, इंडियन है, ठीक है? यानी कि ये शेयर ट्रेड हो रहा है इंडियन कंपनी के इंडिया में ही, इंडिया में ही। अब सपोज करो इंडियन कंपनी है, और एक अमेरिकन है, अमेरिकन इंडिविजुअल है, ठीक है? इस इंडियन कंपनी को अपने शेयर इशू करने हैं इस अमेरिकन इंडिविजुअल को, ठीक है? तो वो कैसे इशू करेगी? अब अभी मैंने ऊपर क्या बताया था कि हमारा शेयर इशू करने के लिए उस इंडिविजुअल को क्या करना पड़ता है, अपने बैंक के थ्रू या डायरेक्ट ब्रोकर के पास जाता। ठीक है, तो अब ये जो ब्रोकर के पास जाता है या बैंक के थ्रू जाता है, तो जब ये ब्रोकर के पास जाता है तो वो ब्रोकर उसका डीमेट अकाउंट खुलाता है, डिपॉजिटरी अकाउंट खुलाता है इंडिया में। और वो डीमेट अकाउंट जो होता है उसका लिंक होता है उसके सेविंग अकाउंट से, ठीक है? बैंक अकाउंट से लिंक्ड होता है, यानी कि जब भी वो उसमें पैसे डालने होंगे उसी बैंक से आएंगे, उससे जब भी शेयर्स को बेच के पैसे निकालने होंगे उसी बैंक में जाएंगे, उसी अकाउंट में जाएंगे, ठीक है? तो वो लिंक होता है। अब अगर मान लो ये तो इंडिया में ही खोला है डिपॉजिटरी अकाउंट, इंडियन इंडिविजुअल का है, उसी ने वो खरीद रहा है, लेकिन अब अगर वो बाहर के इंडिविजुअल को बेचने हैं शेयर, उसको खरीदने हैं कंपनी से, ठीक है? तो उसका इंडिया में तो कोई डीमैट अकाउंट है नहीं, तो वो कैसे खरीदेगा? तो इसको खरीदने के लिए जब भी शेयर इशू करना होता है तो इसके लिए एक इंडियन कंपनी अपना इंडिया में एक कस्टोडियन देखती है, ठीक है? कस्टोडियन होता है उसका। अब एक ये भी वो होती है, फॉर्म होती है, इंस्टीट्यूशन होता है, ये किसका कस्टोडियन बनता है। अब वो शेयर्स कस्टोडियन को दे देती है, सारे ट्रांसफर कर देती है। फिर ये कस्टोडियन जिस कंट्री में वो इंडिविजुअल है, जिसे शेयर बेचने हैं, वहाँ पे एक डिपोजिटरी होती है, उसको कांटेक्ट करती है, ठीक है? और फिर ये अपने शेयर्स इसको ट्रांसफर कर देती है, ठीक है? जो शेयर्स ये है कंपनी, कंपनी ने अपने कस्टोडियन को ट्रांसफर किया है, इसको डॉलर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब कस्टोडियन जो है वो डिपोजिटरी को ट्रांसफर कर देती है, और फिर वो डिपोजिटरी इसको एक्नॉलेज कर देती है, ठीक है? या उसको इन्फॉर्म कर देती है कि तुम्हारे इतने शेयर्स हमारे पास सेव हो गए। अब ये किस में गए? डॉलर्स में गए। अब ये जो एक्नॉलेज कर रही है, एक्नॉलेजमेंट जो उसे दे रही है, ये हो जाती है, कहलाती है डिपोजिटरी रिसीट। क्या वो कहलाती है? डिपोजिटरी रिसीट कहलाती है, ठीक है? तो अब ये हमें गिलास दिखाने में ये क्या है कि जब कोई कंपनी, कोई इंडिया इंडियन कंपनी, अगर वो अपनी कंट्री के अलावा किसी और कंट्री में, यानी कि आउटसाइड ऑफ इंडिया, शेयर्स इशू करती है, तो वो इसी प्रोसेस के थ्रू उसे इशू करने पड़ते हैं, ठीक है? इसके अलावा वो डायरेक्ट कोई भी इंडिविजुअल जो है, अमेरिकन इंडिविजुअल भी कोई भी है, वो डायरेक्ट जो है शेयर्स को नहीं ले सकता, उसको इस रास्ते से ही लेना पड़ेगा। यानी कि इंडियन कंपनी को एक कस्टोडियन के पास अपने शेयर देने पड़ेंगे, फिर वो कस्टोडियन दूसरी कंट्री में एक डिपोजिटरी को देगा, डिपोजिटरी फिर उस इस अमेरिकन या कोई भी कंट्री है उसके इंडिविजुअल को देगा। और ये जो डिपोजिटरी है, जिस कंट्री में वो इंडिविजुअल है जो शेयर ले रहा है, उसी कंट्री में वो डिपोजिटरी होनी चाहिए, ठीक है? तो जब वो एक्नॉलेजमेंट उस शेयर्स की देता है, उस शेयर्स की एक्नॉलेजमेंट को डिपॉजिटरी रिसीट कहा जाता है। जैसे ये शेयर्स मार्केट में ट्रेड होते हैं सेल परचेज, इस तरह से ये भी डिपॉजिटरीज जो है सेल परचेज आपस में फॉरेन कंट्रीज में होती
हो सकती है, ठीक है। तो अब इसमें अलग अलग टाइप के डिपॉजिटरीज हैं, टाइप्स ऑफ डिपॉजिटरीज। एक एडीआर, ये है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स। एक जीडीआर, ग्लोबल डोमेस्टिक ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स। और एक है आईडीआर, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट, ठीक है। ये दोनों तो समझ में आता है क्या है कि जब भी कोई भी बाहर दूसरी कंट्री में शेयर्स इशू किए जाएंगे तो वो डिपॉजिटरी रिसीट्स कहलाएगा। अगर वो अमेरिका में इशू हो रहे हैं तो वो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट हो जाएगी, और अगर वो अदर देन अमेरिकन कंट्री होगी तो वो ग्लोबल डोमेस्टिक रिसीट हो जाएगी, ठीक है, अदर देन अमेरिका, तो वो ग्लोबल डोमेस्टिक रिसीट हो जाएगी। और अगर ये क्या है, इंडियन कंपनी बाहर दे रही है, अगर बाहर की कंट्री, ठीक है, फॉरेन कंपनी कंपनी इंडिया में इशू करती है इसी प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, तो वहां पर वो क्या कहलाएगा, आईडीआर कहलाएगा, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट कहलाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो अब जो हमारा ये चैप्टर है वो शुरू करते हैं, ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। यही जो है एडीआर, जीडीआर, आईडीआर, यही ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स इन इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है। जो इंटरनेशनल मार्केट में कई सारे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है। इंटरनेशनल इक्विटी ऑफरिंग जनरली टेक्स एनी वन ऑफ द टू फॉर्म्स, ठीक है, कोई एक भी फॉर्म वो जनरली ऑफरिंग होती है। एक डुअल सिंडिकेट इक्विटी ऑफरिंग होती है, दूसरी यूरो इक्विटी ऑफरिंग होती है, ठीक है। ड्यूअल सिंडिकेट इक्विटी ऑफरिंग, वेयर द इक्विटी ऑफरिंग इज स्प्लिट इंटू ओवरसीज एंड डोमेस्टिक ट्रेंचेस एंड ईच इज हैंडल्ड बाय सेपरेट लीड मैनेजर। यूरो इक्विटी ऑफरिंग, वेयर वन ट्रेंच इज प्लेस्ड ओवरसीज एंड मैनेज्ड बाय वन लीड मैनेजर, जीडीआरस, एडीआरस एंड आईडीआरस, ठीक है, आर द प्राइम मोड्स ऑफ यूरो इक्विटी ऑफरिंग्स, ठीक है। ये क्या है, यूरो इक्विटी ऑफरिंग्स के प्राइम मोड्स है, एडीआर, जीडीआर, आईडीआर, ठीक है। सबसे पहले हमें पढ़ना है जीडीआर के बारे में, ठीक है। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ना है, जीडीआर के बारे में। तो जीडीआर है क्या, जीडीआर का फुल फॉर्म बताया है ग्लोबल डोमेस्टिक डिपॉजिटरी रिसीट, क्या बताया है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट फुल फॉर्म इसका, अ ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट इज अ डॉलर डिनोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज इन यूरोप और द यूएस और बोथ। इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ अंडरलाइंग इक्विटी शेयर्स, ठीक है। अब इसको ये इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है, मीनिंग है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या है जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट है, ठीक है। किस में होती है, डॉलर डिनोमिनेटेड होती है इंस्ट्रूमेंट,
ग्लोबल डिनोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट, यानी कि ये जो होता है डॉलर डॉलर में होता है। जैसे कि ऊपर बताया कि जो इंडियन कंपनी है वो उसको कस्टोडियन के पास दे देती है और वो कस्टोडियन उसे डॉलर में कन्वर्ट कर देते, तो अब ये क्या है, डॉलर में है, ठीक है। अब ट्रेडेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज, और ये स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड किया जाता है, यानी कि जैसा मैंने ऊपर बताया था जब भी शेयर्स खरीदे जाते हैं यहाँ पे काय से किए जाते हैं, स्टॉक एक्सचेंज से किए जाते हैं, तो इसी तरह से ये भी जो है डायरेक्ट नहीं होता, ये भी डिपॉजिटरी जो है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही सेल परचेज होता है, ठीक है। यानी कि अब जिसने एक बार खरीद लिए वो शेयर्स, बाद में वो आपस में भी लोग उसको स्टॉक एक्सचेंज पर सेल परचेज कर सकते हैं उसी कंट्री में, ठीक है। तो अब कहाँ पर कौन सी, यूरोप और द यूएस और बोथ, ठीक है। तो जीडीआर जो है, जीडीआर जो है वो दोनों के लिए होता है, ग्लोबल जो है वो अमेरिका और अदर देन नहीं है, ठीक है। अमेरिका यूरोप सबके लिए होता है, लेकिन जो एडीआर होता है वो सिर्फ अमेरिका के लिए होता है, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स अ सर्टेन नंबर ऑफ अंडरलाइंग इक्विटी शेयर्स। इसमें ये नहीं है कि कंपनी जो है जितने भी शेयर्स हैं वो सब उसमें दिखाई देंगे, सिर्फ उतने ही शेयर उसमें होते हैं जो यहाँ पर इंडियन कंपनी सेल करने के लिए ट्रांसफ़र करती है। मान लो यहाँ पर अगर उसने 1000 इक्विटी शेयर ही ट्रांसफ़र किए हैं कस्टोडियन को, तो वो जो डिपॉजिटरी रिसीट है वो सिर्फ 1000 को ही रिप्रेजेंट करेगी, उसमें अंडरलाइंग शेयर नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं कुछ, ठीक है, जो उसके ऊपर स्पेसिफाइड होते हैं। ये नहीं कि उसकी कंपनी के अगर 1,00,000 तो सारे 1,00,000 बाहर ट्रेड हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो सिर्फ कुछ ही अंडरलाइंग इक्विटी शेयर्स होते हैं जो कंपनी उसको इशू करती है बाहर के लिए। आगे जो द शेयर्स आर इशूड बाय द कंपनी टू एन इंटरमीडियरी कॉल्ड डिपॉजिटरी इन हुज नेम द शेयर्स आर रजिस्टर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो शेयर्स होते हैं वो इशूड होते हैं, कंपनी जो इशू करती है इस डिपॉजिटरी के नाम पर इशू करती है, ठीक है। कौन सी डिपॉजिटरी, जो दूसरी कंट्री में जो डिपॉजिटरी है उसके नाम पर शुरू में रजिस्टर्ड करती है, और यही जो है इंटरमीडियरी है, यानी कि अगर इसको अमेरिकन के किसी भी इंडिविजुअल को बेचने हैं शेयर, देने हैं, इशू करने हैं, तो इसको इंटरमीडियरी बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या है, इट इज़ द डिपॉजिटरी विच सब्सिक्वेंटली इशूज द जीडीआर्स, द फिजिकल पोजिशन ऑफ द इक्विटी शेयर्स इज विद अनदर इंटरमीडियरी कॉल्ड द कस्टोडियन, ठीक है। और ये जो डिपॉजिटरी है यही सब्सिक्वेंटली इशू करती है शेयर्स को, और इसका जो शेयर्स का जो फिजिकल जो वो होता है, क्या कहते हैं उसको, पोजीशन जो होता है वो किसके पास होता है, कस्टोडियन के पास होता है। जब ये कंपनी शुरू में देती है ना इसको कस्टोडियन को, तो इसके पास उसका फिजिकल पोजीशन होता है जिसको कस्टोडियन कहा जाता है, और जो उस डिपॉजिटरी का, इस डिपॉजिटरी का ये एजेंट होता है, ठीक है। तो Thus, while a GDR represents the issuing company's shares, it has a distinct identity and in fact does not figure in the books of issuer. ठीक है, अब ये जबकि क्या होता है, एक distinct इसके जो होती है issuing company के shares जो है represent करता है ये जो depository receipt है, यानी कि अगर ये मान लो Reliance ने issue किया है तो वो Reliance के distinct depository receipt है वो, ठीक है, उसको represent कर रहा है Reliance को, और इसकी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है, लेकिन जो उस कंपनी है उसकी कंपनी की बुक्स में ये शो नहीं करेगा कि उसमें इतने डिपॉजिटरी रिसीट्स हैं, ठीक है। उसके तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स वही होंगे, मान लो उसके अगर 1,00,000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं तो उसके जो बुक्स में है वो 1,00,000 दिखाएगा इक्विटी शेयर्स, ये नहीं दिखाएगा कि इतने डिपॉजिटरी रिसीट्स हैं, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीआरस हैज बीन इन यूज सिंस 1927 इन वेस्टर्न कैपिटल मार्केट्स, ठीक है। कब से है ये, 1927 से है इन वेस्टर्न कैपिटल मार्केट्स में। ओरिजिनली दे वर डिजाइन एज एन इंस्ट्रूमेंट टू यूएस इन्वेस्टर्स टू ट्रेड इन सिक्योरिटीज दैट वर नॉट लिस्टेड इन यूएस एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ अमेरिकन डिपॉजिट रिसीट, ठीक है। तो शुरू में जो ये 1927 में वेस्टर्न कैपिटल मार्केट्स में जो शुरू में ये ओरिजिनेट हुआ था, ये जो डिज़ाइन किया गया था, ये इसीलिए डिज़ाइन किया गया था इस इंस्ट्रूमेंट को, कि जो यूएस इन्वेस्टर्स थे, ठीक है, कौन थे, जो यूएस इन्वेस्टर्स थे वो
उन सिक्योरिटीज में भी डील कर सकें, यानी कि उन इक्विटी शेयर्स को भी खरीद सकें जो कि उनकी एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है, ठीक है। यानी कि जो उनके एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है उनके अभी इक्विटी शेयर्स वहाँ वो खरीद सकें, और किसके थ्रू? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। किस फॉर्म में? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट के फॉर्म में। इशू ट्रेडेड आउटसाइड द यूएस वर कॉल्ड इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसीट। और उस टाइम पर जो वहाँ पर आउटसाइड अमेरिका, आउटसाइड यूएस था, उसको कहा जाता था इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसीट, ठीक है। तो लेकिन हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में तो आईडीआर का मतलब होता है इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स होता है, ठीक है। तो ये जो शुरू में 1927 की बात हो रही है, उस टाइम पर जो आउटसाइड इंडिया इनको बोला जाता था इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसीट, ठीक है। दस ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट और ग्लोबल डिपॉजिटरी इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसीट्स इज अ सर्टिफिकेट इशूड बाय अ डिपॉजिटरी बैंक विच परचेजेस शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनीज एंड डिपॉजिट्स इट ऑन द अकाउंट, ठीक है। तो ये डिपॉजिटरी रिसीट्स, इंटरनेशनल डिपॉजिटरी, सिंपल मीनिंग है, बस उनका नाम जो है उनके उससे पर्सपेक्टिव से बदल जाता है, लेकिन वो डिपॉजिटरी रिसीट्स ही हैं। तो जो डिपॉजिटरी रिसीट्स हैं वो क्या होती हैं कि जो कब डिपॉजिटरी बैंक जो होता है वो अपने पास जो सेव करके रखता है उसका जो सर्टिफिकेट होता है जो उसके पास होता है वो डिपॉजिटरी रिसीट कहलाता है, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है डिपॉजिटरी रिसीट्स की, ग्लोबल डोमेस्टिक डिपॉजिटरी रिसीट्स की, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ GDRs। फर्स्ट, इट इज एन अनसिक्योर्ड सिक्योरिटी, ठीक है। ये एक अनसिक्योर्ड सिक्योरिटी होती है। सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड समझते हो? कुछ लोन्स होते हैं वो इशू किए जाते हैं कुछ सिक्योरिटी रख करके, ठीक है। यानी कि अगर कंपनी इशू कर रही है डिबेंचर्स, उनको कुछ एसेट्स पर सिक्योर कर देती है, ठीक है। तो वो सिक्योर डिबेंचर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो ये सिक्योरिटीज होती हैं ये अनसिक्योर्ड होती हैं, यानी कि इनके लिए कोई सिक्योरिटी जो है वो फिक्स नहीं होती है कंपनीज के द्वारा, ठीक है। अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पेड ऑन इट, ठीक है। और इसके ऊपर एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड होता है। इट मे बी कन्वर्टेड हेलो, सर, आवाज नहीं आ रही सर, आप अटक गए। हेलो हेलो हेलो, ये सर की आवाज नहीं आ रही या किसी की भी आवाज नहीं आ रही एक दूसरे को? सर आपकी आवाज मेरी आ रही, आ रही। सर की आवाज नहीं आ रही। अरे ये मेरा माइक कौन बंद कर